के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद। 4000 लाभार्थियों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा किया स्थानांतरित। हरियाणा से बिहार ले जा रहे अवैध शराब को सहजना पुलिस ने पकड़ा। एसपी नॉर्थ ने कहा, भारी मात्रा में अलग अलग गाड़ियों से ले जा रही थी शराब, कीमत लाखों में। स्ट्रक्चर इको प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इन पावरिंग स्टैंडेबल कंस्ट्रक्शन एवं कंप्रेस्ड एग्री पावर टेक्नोलॉजी पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने कहा, इस टेक्नोलॉजी की सफलता पर सरकार को मिलेगा बल। चोरी के 3 मोबाइल के साथ 3 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। जिलाधिकारी ने किया एमजी गर्ल्स क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन। डीएम ने महिला खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने पर दिया जोर। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ ने मनाया धिक्कार दिवस, किया कार्य बहिष्कार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोचिंग संस्थाओं के पूर्व संचालन के संबंध में बैठक। समाज कल्याण द्वारा आईएएस पीसीएस स्टूडेंट की निःशुल्क कोचिंग देने पर हुई चर्चा। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की बैठक। बैंकों की रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सिक्कों को जमा करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। अपनी मांगों पर आगामी आंदोलन की बनाई गई रणनीति। परिवहन मंत्री से वार्ता और उनसे मिले आश्वासन के बाद ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन और गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हड़ताल हुआ खत्म, लौटे काम पर। बिचौलिए द्वारा हो रहे शोषण के विरोध में भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्रों के बैंक मित्रों ने किया बैठक। नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति ने नगर आयुक्त को दिया चेतावनी, कहा सफाई कर्मियों के साथ अन्याय के विरोध में करेंगे 30 जुलाई को धरना प्रदर्शन। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने दिया धरना। गोरखपुर जेसीआई महिला विंग के जेसी रेड सप्ताह का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। और जिला फुटबॉल लीग के क्वार्टर फाइनल में फुटबॉल एकेडमी मेडिकल को मिला वॉक ओवर और गौतम स्पोर्टिंग ने एमपी क्लब को 4-0 से हराकर सेमीफाइनल में बनाया स्थान।